नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार अब एक नई राह पर आगे बढ़ने जा रही है। महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण भविष्य में निर्बाध रूप से मिलता रहे, इसके लिए राज्य सरकार कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। सबसे पहले अध्यादेश को लाया जाना है, जो पिछली कैबिनेट हुई थी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, उसमें मुख्यमंत्री को पूरी कैबिनेट ने अधिकृत किया था अध्यादेश लाने के लिए। अब इसके पीछे कुछ कारण हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्य सरकार के शासनादेश को बरकरार रखा है, हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने स्टे कर दिया है, रोक लगा दी है। लेकिन ये तभी मुमकिन है लंबे समय तक जब राज्य में इसके लिए कोई मजबूत कानून हो। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूल रूप से राज्य की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और उस कानून का अध्ययन उत्तराखंड सरकार भी कर रही है। हरियाणा में भी स्थानीय व्यक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। कार्मिक विभाग, न्याय विभाग या उससे संबंधित जो विभाग हैं, वो इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना यह है कि कैसे राज्य सरकार उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण के मामले में मजबूती प्रदान करती है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।